अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि OLX के थ्रू आप लोग कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की हुई है ऑनलाइन अर्निंग के लिहाज से, जिसके अंदर हम लोग ये सिखा रहे हैं लोगों को कि आप लोग घर में बैठे हुए ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। डिफरेंट लोग आपको बातें बताते हैं कि भाई आप लोग ये एप्लीकेशन यूज़ करें, ये एप्लीकेशन यूज़ करें और आप लोग पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकते। तो हम लोगों ने ये सीरीज़ इसलिए शुरू की है कि हम लोग आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि भाई आप लोग ऑनलाइन इन एप्लीकेशन के तरीके से आप लोग कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल भी होगा, हर वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल भी होगा। तो हमने कल एक वीडियो जो है रिलीज़ किया, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि फ्री लॉन्चर कैसे एप्लीकेशन आप यूज़ करके आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो हमने टॉप की जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, हम लोगों ने वो सिलेक्ट की हैं और उनके अंदर हम आपको सिखा रहे हैं कि भाई आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, वो भी अपने घर बैठे हुए। तो आपने अगर आपने ये देखना है कि भाई एक वीडियो की ऑथेंटिसिटी क्या है, तो आप ये देख सकेंगे भाई वो हम आपको किस एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे OLX से आप लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं। OLX का नाम आपने सुना ही होगा कि एक पाकिस्तान की वो कंपनी है, ऑनलाइन काम करती है, जिसके थ्रू आप लोग अपना यूज सामान खरीद सकते हैं और इस पर बेच भी सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है, आप इस बिज़नेस को आप ऐसे चला सकते हैं, आप ऐसा जॉब कर सकते हैं, लेकिन इस जॉब को आप ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग बिज़नेस के तरीके से आप लोग पैसे कमा सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे करना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। आपको काफ़ी लोग ये बताते होंगे भाई आप लोग मोबाइल की सेल परचेज़ करने वाले OLX पे तो आपको पैसे कमा सकेंगे, लेकिन आप लोग ये सोच के डर जाते होंगे भाई हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमारी इन्वेस्टमेंट फंस ना जाए, हमें मोबाइल के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, हम लोग अगर ऐसा एक मोबाइल लें वो आगे सेल ना हो तो मुसीबत बन जाएगी। मैं आपको ये इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा कि आप लोग चीज़ को ख़रीदने से पहले ही आप लोग बेच सकेंगे तो आपको जो है प्रॉफिट का या लॉस का आपको डर भी नहीं होगा, आपका प्रॉफिट जो है वो पहले ही कैलकुलेटेड होगा और लॉस की इंशाल्लाह आपको कोई भी डर नहीं होगा। यानी कि आप लोगों ने ऐसे करना है कि आपकी चीज़ बिक जो है ना आपने बेच पहले दी होगी और आप ख़रीद उसको बाद में रहोगे, या आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि OLX के अंदर अगर हम लोग, मैं आपको पर्सनल भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता था तो मैंने 1,30,000 रुपये भी इस तरीके से कमाया था एक महीने का। तो OLX के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी चाहे कमा सकते हैं। जो मेरा सबसे ज़्यादा कमाया हुआ पैसे थे वो 1,30,000 रुपये था। तो मैं आपको वो डिस्कस करूँगा, मैंने भी उस ज़माने के अंदर मोबाइल फ़ोन्स जो है OLX के ऊपर बेचे थे और मैंने पैसे कमाए थे, लेकिन आजकल का जो ज़माना है PTI ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है, PTI ने भी सख्ती कर दी है, दोनों ने कर दी है और इसके अलावा टैक्स भी बहुत ज़्यादा लग चुका है, तो इसलिए अब मोबाइल की वो मार्केट नहीं रही है। हाँ, ऑल्दो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो आप वो करें, उससे मैं आपको रोक नहीं रहा, लेकिन विदाउट इन्वेस्टमेंट वाली जो बात है वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। वो ऐसा OLX का बिज़नेस है, वो है फर्नीचर का। फर्नीचर की जी हाँ, कोई प्राइस नहीं होती है, फर्नीचर को आप जितना मर्जी चाहे प्राइस पे आप लोग बेच सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपने अपने एरिया के अराउंड जो है आपने घूमना फिरना है और वहाँ पे जितने भी कारपेंटर हैं आपने उनसे रब्ता करना है। आपने कारपेंटर से ये कहना है कि भाई मैं जो है वो आपके पास महीने के इतने ऑर्डर्स लेके आऊँगा, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स लेके आऊँगा, आपने मुझे एक अच्छी प्राइस के ऊपर आपने एक फर्नीचर बना के देना है। अब डिफरेंट आप उससे बात कर सकते हैं कि भाई मैं आपको ना महीने में पैसे दे दिया करूँगा या 15 दिन के बाद पैसे दे दिया करूँगा, यानी आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा गुर्बत हो है, या हम आप जिस भी कंट्री से अगर मुझे मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके अंदर गुर्बत है, कोई नौकरी नहीं होती, तो आपके पास नॉलेज तो है, आप उस नॉलेज को यूज़ करके आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आप एक मजदूर को देखें वो अपनी फिजिकल बॉडी बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, दिमाग कम से कम यूज़ करता है। अगर आप एक कंपनी के CEO को देखते हैं वो अपना दिमाग सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, अपनी बॉडी को सबसे कम यूज़ करता है। तो इससे हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं, आप जितना ज़्यादा अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे आप उतने ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो ये आपने नहीं सोचना कि भाई मुझे फिजिकल जाके कुछ करना पड़ेगा तो ही पैसे कमाएंगे। ऑनलाइन अर्निंग का मकसद ही यही है कि आप लोग घर बैठ के आप पैसे अपना सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं। अब फर्नीचर को आपने करना क्या है कि जब आपके पास जितनी भी आपके ऑनलाइन आप ढूंढ सकते हैं एक क्रिएटिव फर्नीचर के आइडियाज़, आप उन तस्वीरों को ढूंढें और आपने OLX के ऊपर उनको लिस्ट कर देना है। जब आपके पास ऑर्डर आए, आपके पास 2 से 3 दिन का टाइम होता है ऑर्डर को डिलीवर करने का, आपने तब जाके अपने कारपेंटर को दे देनी है वो तस्वीर के भाई मुझे इस तस्वीर का आप फर्नीचर बना दो। मान लें कि आपके पास एक कंप्यूटर टेबल का एक ऑर्डर आ जाता है, अब कंप्यूटर टेबल आपको पड़ता है 15,000 रुपये का, आप उसको बेचते हैं 30,000 रुपये का, तो आपने सीधा 15,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। तो अब आपको करना क्या है कि अब
मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको ये भी चीज़ बताऊंगा कि अब आपने क्या करना है, आपने प्रैक्टिकल कैसे करना है, आपने तस्वीरों को ढूंढना कैसे, लिस्ट कैसे करना है, OLX के ऊपर आपका जो ऐड है उसको पॉपुलैरिटी भी मिल जाती है, आपने इजी पैसे से आप 300 से 500 रुपये उनको दें वो आपके ऐड को ज़्यादातर लोगों को दिखाएंगे और आपकी ज़्यादा जो है वो सेल हो जाएगी। अब देखिए फर्नीचर आपने ख़रीदना नहीं पड़ा, आपको कारपेंटर आपको बना देगा, आपने डायरेक्ट फर्नीचर वालों से जाकर मिलना, वो बहुत ही ओवरली प्राइस आपको चीज़ें देंगे। कारपेंटर के पास आप सीधा सीधा गए, ठीक है, आपने क्या किया उसको जब ऑर्डर आपका आया आपने दिया और आपके पास कोई लिमिट भी नहीं है, जितनी मर्जी चाहे आप OLX के ऊपर लिस्टिंग कर लें, आपको इतने ऑर्डर आएंगे कि आप संभाल नहीं सकेंगे, आप प्रॉपर एक एज अ बिजनेस इसको चला सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि आप लोगों को मैं ये सिखाऊं कि आपने प्रैक्टिकली कैसे वो लिस्ट करना है OLX के ऊपर जिसके ऊपर आपके ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आए। अच्छा तो गाइस ये हमने कुछ तस्वीरें ऑनलाइन इंटरनेट से हम लोगों ने ढूंढ लिया, आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहे आपको तस्वीरें अच्छी लगती हैं आप ढूंढ सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 बेड की जो है जो कि लो प्रोफाइल बेड हैं मैंने इनकी जो है वो तस्वीरें ढूंढ ली हैं और अब हम उनको लिस्ट करेंगे, लिस्ट कैसे करना है वो भी आपको मैं करके सिखाऊंगा। तो अब हम लोग यहाँ पे OLX को जो है वो ओपन कर लेते हैं, एक अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आप लोग उसको कर लें, अगर ऑलरेडी है तो आप उसको लॉग इन कर लें। अब यहाँ पे क्या आपने करना है कि आपने अपने जब एक तस्वीर है जैसे कि हम लोग इस बेड की अगर हम लोग बात कर लें तो अगर आपने इस तस्वीर को आपने दिखाना है और आपने अपने जो भी आपका जो कारपेंटर होगा आपने उससे बात करनी है कि भाई कि आप इसकी क्या प्राइस देते हैं, फॉर एग्जांपल वो आपको इसकी 50,000 जो है वो प्राइस देता है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने का ये सेल करना चाहते हैं, आप 70,000 का करते हैं या 75,000 का करते हैं, आप मान लेते हैं कि हमें इस प्राइस हमें मिली है इसकी जो है वो 50,000 और इसकी जो वुडन मटीरियल है वो शीशम है। आप देख लें कि जितने भी डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं तो ये आपने अपने कारपेंटर से आपने रबता करना है कि भाई आप किस मटेरियल का मुझे बना के दे सकते हैं। तो अब आप क्योंकि हमने लिस्ट करना है तो हम लोग लिस्ट कर सकते हैं इधर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि आपने सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेल में करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पे आपने जाना है और आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपकी कैटेगरी किस कैटेगरी में आती है क्योंकि आपने वो चीज़ लिस्ट करनी है। तो हमने यहाँ पे फर्नीचर देखना है, ये फर्नीचर एंड होम डेकोर। तो अब यहाँ पे अब आप देखेंगे आप सब कैटेगरी के आप सब कैटेगरी यहाँ पे क्या है, सोफा एंड चेयर, बेड एंड वार्डरोब्स। तो आपने बेड्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब आपने क्या कंडीशन करनी है, यहाँ पे न्यू को सिलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पे करेंगे, अब आपने इसका एक बेहतरीन सा टाइटल लिखना है जो कि अट्रैक्टिव हो कि लोग उसको खरीदें भी। अब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं लो प्रोफाइल हाई क्वालिटी क्वालिटी शीशम, लो प्रोफाइल किंग किंग साइज डबल बेड। अब ये हमने जो है इसकी एक टाइटल के अंदर ही डिस्क्रिप्शन लिख दी क्योंकि लोग खोल के कम पढ़ते हैं अगर उनको डिस्क्रिप्शन पसंद आ रही हो तो। अगर आप टाइटल में ही आप ऐसा लिख लें कि आपको लोग मजबूर हो जाएं उसको खोलने के लिए और खोल के आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो आपने इसलिए टाइटल जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लिखना होता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग लिख सकते हैं कंप्लीट तो आप लोगों ने ये भी इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आपने किसी भी जो कंपनी होती है आपने उसके साथ यानी कि जो कोरियर सर्विस वाली कंपनी होती है आपने उसके साथ अपने आप को एफिलिएट करना है, आपने उनको जाके बताना है कि भाई मेरे इतने इतने ऑर्डर्स होते हैं वो आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करने हैं, तो आपका जो भी ऑर्डर आएगा वो आपने कैश ऑन डिलीवरी पे सेंड करना होगा। तो आप उनके साथ जाके एक छोटा सा प्रोसीजर होता है आप किसी भी कोरियर कंपनी के पास चले जाओ और वहाँ पे अपना अकाउंट खुलवा लें कैश ऑन डिलीवरी वाला तो आपको खोल देंगे। तो आपने ये भी एक चीज़ पॉइंट मेंशन करना है कैश ऑन डिलीवरी is also available throughout Pakistan. भी खरीदते हैं। अब यहाँ पे रुपीस आप जो भी आपको पड़ा हो आप उसके हिसाब से आप 10-15,000 रुपये प्रॉफिट रख के आप यहाँ पे कर दें और उसकी तस्वीर जो है यहाँ पे आप अपलोड कर दें। ये हमने कर ली। अब इसके बाद आप अपनी स्टेट कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि अपना तो ओवरऑल जा रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सिटी करनी है। इसके अलावा आप यहाँ पे पोस्ट नाउ पे आप क्लिक कर देंगे, जब आप पोस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐड जो है वो यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर ऐड विल गो शॉर्ट
लाइव। तो ये आपका प्रोसीजर तो कंप्लीट हो गया। इस तरह आप जितनी मर्जी चाहे आप लिस्टिंग कर सकते हैं और आपके पास कोई इसमें लिमिट नहीं है और आपके पास ऑर्डर्स भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आएंगे और इस तरीके से आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं OLX के थ्रू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।